विष्णु सत्या ग्रुप सोसाइटी के प्रेसिडेंट, मौजीजी ने जलसा, डॉक्टर विष्णु सत्या, लोनली डायनेमिक पर्सनालिटी ऑफ दिस टुडेज सेमिनार, हाजरीन इकराम, अजीज तलबा व तालिबात, मुझे इस बात का एहसास है कि आप और मैं दोनों भी थक चुके हैं, मगर चूंकि हुक्म है कि कुछ बातें मैं कहूं और मुझे कहना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो सुबह में मैं इनॉग्रेशन में मैं खतार आप सुना चुका, और एक खता मैं डॉक्टर विष्णु सत्या और प्रेसिडेंट सोसाइटी के नज़र कर रहा हूँ। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के चेहरों को जिया बख्शी है। सोसाइटी सत्या ग्रुप, डॉक्टर विष्णु सत्या, आप लोग काबिले मुबारकबाद हैं। सुबह से जो सेमिनार की प्रोसीडिंग्स हुई, खुसूसन मिनिस्टर्स की मौजूदगी और पॉलिटिकल लीडर्स का वादा, जो वफा न सही लेकिन आपको इस बात की तमानियत दिया कि आप अगर उनके सामने जाएंगे उनको याद दिलाएंगे कि आपने सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वादा किया था कि यूनानी के लिए हम आपके लिए इतने जो है फंड्स फराहम करेंगे। एक खुशाइन बात है, जबकि चपला घसे जाते हैं फिरते फिरते हुकूमत के पास पैसे मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज का ये दिन जिसमें मिनिस्टर्स ने, दत्तात्रेय साहब ने और मिनिस्टर साहब ने न सिर्फ यूनानी तिब को इनक्रेज किया, बल्कि जो है यूनानी तिब के ताल्लुक से बहुत अच्छे एहसास रखे हैं। दूसरी बात, जो एकेडमिक लाइन और रिसर्च लाइन के प्रेजेंटेशंस हुए, तो मैं हमारे तलबा को छोटी सी जो है मेरी जो सलाहियत है सोचने की, उसके लिहाज से मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात, आप लोग अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखें। जब तक आप अपनी शिनाख्त न रखेंगे उस वक्त तक आपको कोई पूछने वाला ना होगा। अपनी शिनाख्त को बरकरार रखिए। यूनानी तिब साइंटिफिक तिब है। सुबह में मैंने कहा कि मॉडर्न सिस्टम खुद साइंटिफिक यूनानी तिब को जो है अपना कर उसको अबुल तिब उखरात को बाबा तिब हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन कह चुके हैं, और उसी सिस्टम पे हम काम करने के लिए, उसी सिस्टम की जो है जो फ़ायदा बख्श चीज़ें हैं उसको हासिल करने के लिए हम आगे पीछे होते हैं और डरते हैं कि ये इट इज़ आउटडेटेड साइंस। मैं एक छोटी सी बात अपने जो है एकेडमिक लाइन की सुनाने जा रहा हूँ। अगर अपने लिटरेचर को हम गौर से पढ़ें तो हमें खुद समझ में आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे कुलियात के अंदर उमर तबिया में एक सेंटेंस लिखा है, उफूनत से हमूजत पैदा होती है। सिर्फ दो ही वर्ड है, उफूनत और हमूजत। उफूनत प्यूट्रिफिकेशन, हमूजत एसिडिटी। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट अगर देखा जाए, और मॉडर्न में जो अप्लाइड एस्पेक्ट के साथ उनका जो ट्रीटमेंट है, कुंटल से जो है एंटा एसिड खिलाए जाते हैं, एंटासिड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन जो तसव्वुर यूनानी ने दिया कि उफूनत दरअसल आंतों में लाहक है, जो एच पैलोरिया का जो कॉन्सेप्ट आया बाद में, तो आंतों के अंदर जो उफूनत है उसको दूर करने से एसिडिटी खुद ब खुद दूर हो जाती है। देर इज़ नो नीड ऑफ एनी एंटासिड मेडिसिन। इसमें हमको तवज्जो करने की और गौर करने की ज़रूरत है, और आज की जनरेशन को हमको जो पढ़ाना है मॉडर्न सिस्टम इसलिए पढ़े कि
कि हमारे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उनको आसानी हो। एक बात मैं एक छोटा सा और एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे असातिज़ा किस अंदाज़ से हमारी तंबी करते थे और हमारे जज्बात और एहसासात को देखते थे। मजहर सुभान उस्मानी साहब इंतकाल हो गया, दिल्ली के बेताज मौलेजात के बादशाह, नुस्खानवीसी में उनका कोई जवाब नहीं। पूना के अंदर 1992 में एक सेमिनार में खड़े रह के कहा, क्या यूनानी सिस्टम है, ना उसके अंदर जो है खून कितना है नहीं बयान किया गया, ना उसके अंदर कोई सेल्स कितने बयान नहीं किए गए, और आप हैं कि यूनानी सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, क्या यूनानी सिस्टम है। उस वक्त उस सेमिनार में हकीम अब्दुल रमीज साहब मौजूद, उसमें हकीम एम ए रज़ाक मौजूद, उसमें हकीम तैयब मौजूद, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। उनके सामने ये बात हो रही, हम जनरेशन जो है स्टूडेंट्स हैं हम, और बोले कि जो है उदय शीरी उदय तुर्श क्या दवा है, ये क्या होता है इससे। खैर जब उनका लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैं भी तालिबे इल्म मौजूद था वहाँ पर, मैं उठ के गया, मैं बोला मैं सवाल करना चाह रहा हूँ सर। वो बोला आप तिब के बादशाह हैं और तिब जो है जो नुस्खे लिखते हैं आप, आज दुनिया आपके जो है दिल्ली की दुनिया पूरी मानती है आपको। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने किताब में पढ़ा होगा गलबे खून, गलबे सफरा, गलबे सौदा, मेरी जनरेशन गौर करो इस बात के ऊपर। तो मैं बोला कि जब अगर उसका जो है नॉर्मल वैल्यूम नहीं मालूम है तो गलबे का तसव्वुर कैसे आया, पूछा। आप उसी गलबे की बुनियाद पे जो है इलाज करने जा रहे हैं, सफरे का गलबा हो गया लिहाजा उसको ये दवा दो, खून का गलबा हो गया उसको दवाए दो, सौदे का गलबा हो गया इसको ये दवा दो। तो वो लोग हमको झिझोड़ के देखना चाहते थे कि हम कितने जो है सब्जेक्ट के अंदर डूबे हुए हैं, कितने जो है सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। और मैं बोला कि आप उदय शीरी उदय तुर्श के बारे में सिर्फ जो है बहस बराए बहस के तौर पे कह चुके। देखिए स्टीराइड्स, डॉक्टर सैयद अली साहब कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद थे, स्टीराइड्स का इस्तेमाल बेधड़क हो रहा है, लोगों की जाने चले जा रही है, लेकिन वो सिस्टम का आदमी किसी के ऊपर ये उंगली नहीं उठाता कि ये दवा जो है नुकसानदेह है। और हमारे पास अगर जवारी उदय शीरी और उदय तुर्श अगर जो है फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती तो नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तो ये तनखीद बराए तनखीद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने असातिज़ा को जो है झेला है। तो मैं जो है आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि रिसर्च आसान नहीं है, रिसर्च सिर्फ मॉडर्न पैरामीटर को अडाप्ट करना नहीं है, रिसर्च के लिए आपको खुद गाइडलाइन दी गई है, रिसर्च के सिर्फ तीन पिलर आपको ही बताए गए, समझिए आप। मगर हम जो है सिर्फ डिपेंड किए हुए हैं, हमारे पूरे अदविया के रिसर्च होने जा रहे हैं, पूरी सी अंदाज में अल्कलाइड्स के ऊपर रिसर्च होने जा रहे हैं, लेकिन काम हमारा हो नहीं रहा। हमारे कितने बच्चे हैं जो अप्लाइड एस्पेक्ट हमारी यूनानी किताबों में लिखा जानते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो हमको ज़रूरत है आने वाली जनरेशन को हम खुद पढ़े। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जब तक आप उर्दू नहीं सीखेंगे, उर्दू में इल्म तिब हासिल नहीं करेंगे, तो आप किसी को एक्सप्लेन करने के मौक़ में नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे कि आप जब खुद समझेंगे तो दूसरों को समझाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में समझाने के मौकूफ बनेंगे। लैंग्वेज जितनी है आप सीखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में बात करिए, सब कीजिए, लेकिन पहले जो चीज़ सीखना है आपको उर्दू में सीखना है। तो चुनाचे आज के जितने भी जो पेपर प्रेजेंट हुए उसमें बात चीज़ें हुई, तो मैं बताया किसी हमारे जो है शागिर्द से कहा कि भाई असबाब तदरिया का आप तस्करा करें कि असबाब तदरिया में छः चीज़ें हैं, इसमें कौन सी चीज़ अप्लाई होती है आपके इस पेपर के लिए, इस टॉपिक के लिए कौन सी चीज़ अप्लाई होती है, आपने नहीं कहा, तो मान गई, वो समझ गई, उसका दिमाग उस तरफ चला गया। तो इसी तरीके से बहुत सी बातें, जो बच्चे जो है अभी स्टूडेंट्स हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, शौक़ है उनको, यहाँ पर हमको कोई नई चीज़ पेश करना है दुनिया के सामने। जैसा लीच के ऊपर पेपर पेश हुआ, तो लीच पे जो हम डिस्कशन करें, तो लीच के बारे में जब पूरी मालूमात हमको है, हम जानते हैं, तो उसके बावजूद उसको कैसे डिफेंस किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम सब लोग अपने लोग हैं बैठे हुए, इसको कबूल करेंगे कि भाई ठीक है आप जो बोले सही है, लेकिन जब बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो बाहर की दुनिया खाल निकाल देती है आपकी, एक एक चीज़ आपकी जो है पूछेगी वो, ये कैसा है, ये कैसा है। चुनाचे सुबह में मैंने पूछा उनसे कि हमारे तिब के अंदर तमाम टर्मिनोलॉजी मौजूद है, तमाम टर्मिनोलॉजी मौजूद हैं, इसके बावजूद भी हमारी काहली है,
और हमारी एहसास कमतरी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पूरे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, जीखुन नफ्स लिखते नहीं बल्कि लिखते सीधा सीधा जो है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, वो आसान है। ये बोलते हैं कि भाई उनको समझ में आता, और उनको समझ में आना नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी बताना है। आप उसके साथ लिखिए लेकिन बताइए कि मैं जानता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद है, मेरा सिस्टम आउटडेटेड नहीं है, आज भी अपडेट है और आज के जितने चैलेंजेस है उसके लिए काम करने के लिए मेरा सिस्टम तैयार है। ये हमको जो है अपना अज़्म और हौसला बताना है। इसी हौसले के लिए ये सत्या ग्रुप के लोग जो हैं हमारे यंग जनरेशन के बच्चों को आगे ला रहे हैं, और उनके मुस्तकबिल के जो फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं जिसमें चैन ऑफ क्लिनिक्स डालने का है, उसमें भी जो है यूनानी बच्चों को बिठाएंगे। नुस्खा लिखना इतना आसान नहीं है, खाली आप सुन लिए, अभी बहुत प्रैक्टिस हो रही है मॉडर्न में, ये सिम्टम्स इसके लिहाज से दवा, ये सिम्टम्स इसके लिहाज से दवा, ये कंप्लेंट पेशेंट का इसके लिहाज से दवा, नहीं। नुस्खा लिखने के लिए आपके अतिबा ने बहुत बेहतरीन उसूल बताए हैं, बताया गया उसूल, अजबाब के लिहाज से उसूल इलाज, अलामत के लिहाज से इलाज, अवारिजात को रोकने के लिहाज से इलाज। तो इन नुकात के ऊपर अगर आप जहन रख के काम करेंगे तो यकीनन आप एक बेहतरीन तबीब बनने के काबिल हो जाएंगे, और बनेंगे ज़रूर। तो मेरी ये चंद चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन में थी, मैं सोच रहा था कि मैं जो है कभी इसको ज़िक्र कर दूंगा, लेकिन जो है अताउल्लाह शरीफ साहब जो है हमारे ब्रदर, वो जान गए कि चेहरा पढ़ लेने वाले हैं, वो बोले कि कुछ ना कुछ ये भूलना चाह रहे हैं, लिहाजा उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।